उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बाहर एक लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जीडीए का गार्ड एक नाबालिग की डंडों से पिटाई कर रहा है। बच्चा बार बार अपनी जान बख्शने की गुहार लगा रहा है, लेकिन गार्ड लगातार उसकी पिटाई कर रहा है। इस गार्ड की पहचान राकेश बाबू यादव के तौर पर हुई है। पहले ये वीडियो देखिए, इसमें क्या कुछ हो रहा है। ताला क्या बात हो रहा था, एक बार बोला झूठ। सर जी एक ही बार करा था, मैंने मम्मी को बताया। सर जी ताला तोड़ा, क्या बात तोड़ा था सर जी? ना तोड़ा, मेरी मम्मी को बताया। अभी अभी करा उद्यान का ताला तोड़ा? नहीं, उद्यान का करा था बस सर जी, और कुछ ना करा था मैंने। ताला तोड़ा? हाँ, उद्यान का करा, उसके अलावा कुछ कहेगा ना। ताला तोड़ा? हाँ। ताला तोड़ क्या ले गया? कुछ नहीं लेगा तो, बस उसमें मोटर थी सर जी, मोटर थी सर जी, झूठ ना बोलना। मोटर किसी थी सर जी? झूठ ना बोलना। मोटर कैसे बेची? मोटर देखी ना, पकड़ ली थी सर जी, झाड़ू मारने वाले ना उन लोग ने पकड़ ली सर जी। ये देखिए साफ तौर पे, यहाँ पे आप सुन पा रहे होंगे जिस तरह से ये नाबालिग लड़का जो कैसे गार्ड को बता रहा है कि उसने ताला तोड़ा था। दरअसल जो ये बातचीत है, इससे साफ तौर पे नजर आता है कि ये जो गार्ड है, शायद इसको एक तरह से जिम्मा दिया गया था गार्ड को कि वो जो उद्यान है उसकी देखरेख करेगा, लेकिन जब उसने देखा तो वहां पर ताला टूटा हुआ था और उसी शक में इसने इस नाबालिग की पिटाई करना शुरू कर दिया, जिसमें साफ तौर पे कह भी रहा है कि मैंने बताया था कि ताला टूटा हुआ था, मेरी मम्मी को बताया। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह से पिटाई का अधिकार इस गार्ड को किसने दे दिया? अगर इसने कोई गलती की थी इस नाबालिग युवक ने, तो फिर क्या इसे पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता था?